एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित मनोटा गांव पहुंचा। लगभग 6000 के आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 41 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 1 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान हमीद के द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 2500 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। गाँव में लगभग 610 राशन कार्ड धारक है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 380 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 40 हैंडपंप लगवाए गए हैं। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 7 विद्युत ट्रांसफार्मर व 11 सोलर लाइट भी लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में 17 सीसी टाइल्स रोड, 2 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल में मरम्मत कार्य, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 47 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 आवास का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाली, खडंजा, पानी की टंकी व स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पुत्र शाहिदीन, ग्राम पंचायत मनोटा, ब्लॉक असमोली। हमने यहाँ पर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो धन प्राप्त हुआ उससे हमने 17 सीसी टाइल्स रोड बनाए और 2 खरंजे के रोड बनाए। जितनी भी धनराशि हमारे ग्राम पंचायत को प्राप्त हुई हमने उसे सही तरीके से उसको इस्तेमाल किया और आगे भी जो धनराशि प्राप्त होगी उसको सही तरीके से ही इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे गाँव में ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है और यहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा है, यहाँ के लिए एक पानी की टैंकी की ज़रूरत है और केंद्र राज्य सरकार से मैं अपील करता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत के लिए 1000 मीटर का नाला या 1500 मीटर का नाला दिया जाए ताकि गांव का पानी तालाब के लिए तालाब में डाला जाए। हमारे ग्राम पंचायत में कुछ पोल नहीं लगे हैं, अभी वो पोल की सुविधा हो जाए, 2 ट्रांसफार्मर और लगने हैं। हमने अपनी ग्राम पंचायत में 11 सोलर लाइटें भी लगाई हैं और आगे से भी सही काम किया जाएगा। शौचालय का काम किया गया है, शौचालय में पानी की टैंकी, समरसेबल, 2 समरसेबल लगवाए हैं और स्कूल के अंदर वॉल पेंटिंग का भी काम चल रहा है। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, मनोटे का रहने वाला हूँ। हमारे पास ये मकान वकान कुछ नहीं था, पन्नी का मकान था, छत कच्ची थी। हमारे प्रधान जी ने मकान बनवाया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे प्रधान जी।